आज की वीडियो में हम लोग पता लगाएंगे कि क्या फ्री फायर सच में आ रहा है कि नहीं। 29 जुलाई 2023 यानी कि कल रात से ही एक बहुत खतरनाक वाली न्यूज़ फैल रही है कि यूपी गवर्नमेंट भी ई स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रही है। मतलब कुछ टाइम पहले एमपी गवर्नमेंट ने ई स्पोर्ट्स को लेकर कुछ किया तो था, मुझे उतना डिटेल नहीं पता तो मैं कुछ ज़्यादा ब्रीफली जाऊंगा नहीं, तो बस इतना बता देता हूँ कुछ किया तो था। वही उसी टाइप का कुछ यूपी गवर्नमेंट भी कर रही है, इसका कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लीक हुआ है। कुछ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी की मीटिंग हुई थी फ्री फायर के को फाउंडर के साथ, उसको देख के लगता है कि शायद फ्री फायर कम बैक कर दे, क्योंकि अब देखो गवर्नमेंट भी हर तरफ की ई स्पोर्ट्स को सपोर्ट कर रही है। अभी पहले एमपी ने, फिर यूपी ने, अब हम लोग राजस्थान का भी सुन ही रहे हैं, फिर कर्नाटक का भी थोड़ा बहुत सुनने में आ रहा है। तो अब बस देखना है कि क्या होता रहता है। और एक और न्यूज़ जो कि अभी कोई और यूट्यूबर तुम लोग को नहीं बताया है वो ये कि फ्री फायर इज़ ऑल सेट टू रिटर्न इन इंडिया। अब ये मुझे ये नहीं पता कितना सही है कितना गलत है, लेकिन अब ये बोला तो है इन्होंने, जो पता नहीं को फाउंडर कौन क्या नाम था वो पता नहीं, अब बस देखना है आगे क्या होता है। महेश दल्ले, जो लोग ये सोच रहे हैं फ्री फायर आ जाएगा वो लोग अभी मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि अभी उसका कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन जो लोग ई स्पोर्ट्स में पहले ग्राइंड करते थे वो सब तुम लोग भाई वापस आ जाओ, ई स्पोर्ट्स में ग्राइंड करना फिर से शुरू कर दो ग्राइंड करना, क्योंकि अब ई स्पोर्ट्स कभी भी वापस आ सकता है। ई स्पोर्ट्स का देखो बीजेएमआई में बहुत तगड़ा कमबैक हुआ है, फ्री फायर में और उससे खतरनाक कमबैक होने वाला है ई स्पोर्ट्स का, मानो ना मानो आगे देख लेना। चलो आज इस छोटी सी वीडियो के अंदर इतना ही, वीडियो लाइक करो इतना सब्सक्राइब कर देना और मुझे कुछ बड़ी वीडियो का टॉपिक दो यार, तुम लोग सजेस्ट करो। नेक्स्ट वीडियो मैं सोच रहा हूँ OTT के ऊपर बनाऊँ, तो सपोर्ट करना। और इस वीडियो का एम करता हूँ 5-10, चलो 10 लाइक ही कर दो तुम लोग। हाँ चलो गुड बाय। One enemy remaining. Gone. 30 seconds left.